अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एन एटम। अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उनको ये बात समझ नहीं आती कि एटम के शेल के अंदर सब शेल्स और ऑर्बिटल्स किस तरह होते हैं, उनकी तरतीब क्या होती है। सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को विद एग्जांपल और विद 3D मॉडल आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे वन ऑफ द सिंपलेस्ट एटम हीलियम का। हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, यानी हीलियम के फर्स्ट शेल के इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पेरिकल इस ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लियर, ये जो रेड स्पेयर है ये दरअसल 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे नंबर 2 बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2। यहाँ पे आपको बेरिलियम के 3D मॉडल में क्लियर नजर आ रहा है, छोटा इनसाइड वाला जो रेड स्पेयर है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बड़ा रेड स्पेयर जो है वो सेकंड शेल के इस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है कि सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। सो ये बड़ा स्पेयर सेकंड शेल के इस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2 और 2p2। यहाँ पे कार्बन के 3D मॉडल में आपको नजर आ रहा है एक छोटा रेड कलर का स्पेयर जो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा रेड स्पेयर 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद 6 पर्पल कलर के जो लोब्स हैं वो कलेक्टिवली पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच ऑफ द पी ऑर्बिटल कंटेन और लोब्स, और कार्बन के px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है जबकि 2pz के दोनों लोब्स खाली पड़े हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे नंबर 4 ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का 3D मॉडल। इसमें स्मॉल रेड स्पेयर रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट शेल के इस सब शेल को, जबकि सेकंड शेल 2 सब शेल्स यानी 2s और 2p पर मुश्तमिल है। सो बड़ा रेड स्पेयर सेकंड शेल के इस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पर्पल कलर के 6 लोब्स कलेक्टिवली 2p सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर 2 अपोजिट लोब्स एक p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे नंबर 5 नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6। यहाँ पे आपको नियॉन का क्लियर 3D मॉडल नजर आ रहा है। स्मॉल रेड स्पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है 1s को, जबकि बिग रेड स्पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड शेल के इसको, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 6 पर्पल लोब्स कलेक्टिवली पी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पी सब शेल के हर एक ऑर्बिटल यानी px, py और pz में दोनों लोब्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6 एंड 3:2। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का मॉडल नजर आ रहा है। मैग्नीशियम के मॉडल में आपको जो छोटा रेड स्पेयर नजर आ रहा है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे थोड़ा बड़ा स्पेयर 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद हमारे पास 6 लोब पर्पल कलर के आते हैं जो कि कलेक्टिवली 2p सबशेल के 3p ऑर्बिटल यानी px, py और pz को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो बड़ा रेड लोब है वो 3 शेल के इस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है नंबर 7, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ये हमारे पास आर्गन का 3D मॉडल है। सेंट्रल रेड लोब 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा रेड लोब 2s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद स्मॉलर पर्पल कलर के ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली सेकंड शेल के पी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px, 2py और 2pz, जबकि उसके बाद बिग रेड स्पेयर 3s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि पर्पल कलर के बड़े लोब्स 3p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बिलोंग करते हैं 3p सबशेल से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 8, कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। यहाँ पे आपको कैल्शियम का 3D मॉडल नज़र आ रहा है। इसमें से जो सबसे छोटा रेड स्पेयर है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद 2s है, उसके बाद पर्पल कलर के जो ऑर्बिटल्स है वो 2p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो और बड़ा रेड स्पेयर है वो 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद बड़े पर्पल लोब्स 3p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो रेड लोब है वो 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास है वो है नंबर 9, आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6 है। ये आपको आयरन का 3D मॉडल नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितने भी रेड स्पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ शेल्स के इस सब शेल्स के इस ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो पर्पल लोब्स नज़र आ रहे हैं वो सेकंड और थर्ड शेल के पी सब शेल के ऑर्बिटल्स के लोब्स को नज़र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको ग्रीन लोब्स नज़र आ रहे हैं वो डी सब शेल के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं। सो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।